एक नंबर वार्ड के डीजल कॉलोनी से सिविक वॉलंटियर का फंदे से झूलता शव बरामद। मार्च महीने में होने वाली थी शादी। शादी के घर में तैयारियां चल रही थी, इसी बीच खुशियां मातम में पसर गया, क्योंकि जिस युवक की शादी होनी थी उसका घर के कमरे से फंदे से झूलता हुआ शव बरामद किया गया। मृतक का नाम ब्रज कुमार पासवान है। वह एक नंबर वार्ड डीजल कॉलोनी का निवासी था। मृतक सिविक वॉलंटियर के रूप में कार्यरत था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार ब्रिज अपने भैया के क्वार्टर में शुक्रवार दोपहर को खाना खाकर सोने गया था, जब शाम के समय उसके भैया ने दरवाजा खोलने के लिए ब्रिज को आवाज लगाया तो कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर जब उसके भैया ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसे तो देखा ब्रिज फंदे से लटका हुआ है। इसके बाद आनन फानन में ब्रिज को उसके परिवार वालों ने प्रधान नगर थाना अंतर्गत एक गैर सरकारी अस्पताल में ले गए, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में परिवार वालों ने उसके शव को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि 11 मार्च को युवक की शादी होने वाली थी, जिसको लेकर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। ब्रिज के यू अचानक आत्महत्या जैसे कदम उठाने से परिवार वाले भी सदमे में आ गए है। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। सोने के शाम को सोया हुआ था, हम लोग को पता चला करीब, हम लोग सब मिल के आए यहाँ पे, जितने भी लोग थे आसपास के, देखे ऐसा घटना घटा है। उसको आनंद फानंद में ले जाके हम लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके गए। वहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद बोला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सिविक वॉलंटियर स्वभाव बहुत मेल मिलाप रखते थे सभी से, और समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा है कि वो लड़का इस तरह का काम करेगा। घटना यहीं पे घर पे ही हुई है कल शाम को। हम लोग को तो खुद पता नहीं चल रहा है कि इतना हंसपुक लड़का, जॉली लड़का था, काम करके आ रहा है और 3-4 बजे तक बहुत नॉर्मली था। अब अचानक से क्या हुआ ये तो हम लोग से कुछ भी मैंने संदेह नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसका 11 तारीख का शादी होने वाला था, सारा चीज़ का तैयारी हो रहा है, और अचानक से 5:30 बजे तक करीब पता चला कि इस तरह से हैंग कर लिया अपने आप। और था नहीं, अकेले था। 4 बजे तक उसको अपने भैया से बातचीत करके गया, उसका भैया निकला है। उसके बाद मैंने सभी कुछ पता नहीं चल, घर भी तो बहुत खुशहाल है, माँ है, तीन भाई का ये है, भाभी है, भतीजा भतीजी सब है। कोई काम नहीं था, आराम से सोया था। हम बात में हैं, 4 बजे हम घर से निकले हैं, उसके 5:20 मिनट रुके हैं, देखे दरवाज़ा बंद है, बीच का ढक कर रहे, आवाज़ दे रहे हैं, नहीं खोला। वाइफ मिल के तो भी दरवाज़ा को धक्का देकर खोले, देखे हैंगिंग क्या हुआ है, कोई परेशानी खोले तो कभी बटन कोई चीज़ का दिए ही नहीं आते, सबसे छोटा कोई चाप नहीं है। उस उसका घर में आना है, रात में सोना है, 4 बजे उठना है, कभी कोई चीज़ हम उस पर जाना, ड्यूटी जा रहा है तो जा रहा, नहीं जा रहा तो हम लोग कभी कुछ पूछने वाला नहीं है उससे, कुछ कोई चीज़ नहीं उससे, कोई मदद नहीं, एकदम फ्री फोन में तक सब्जी लाने नहीं भेजे उसको। शादी 11 तारीख मार्च, कुछ नहीं सर, नहीं वो सोया रहा था, वो उठता है 4 बजे पाँच बजे, उससे बैठे उठाए, बैठ के बात करते सो रहा है। हम लोग निकल गए, हम निकल के थोड़ा सा काम था, बाहर निकले, फिर आए, बच्चा को ट्यूशन था, उसको लेने आए हैं। तो पहले मेरा एक दोस्त आया, वो बच्चा को लेकर जाके ट्यूशन छोड़ दिया। हम आए घर में, फिर वाइफ मेरी थी, मेरे काम वाली बर्तन धो रहा था, वाइफ वाले से वाइफ को बोले भाई कहाँ है, तो बोले यही तो घर में ही तो था, तो देखे जहाँ सो रहा है वहाँ नहीं है। पीता वाला एक रूम में देखे दरवाज़ा बंद है, और पूजा रूम था, दरवाज़ा हम लोग नहीं बंद करते उसे, देखे भीतर से बंद है, डक कर रहे, आवाज़ दे रहे, कुछ नहीं आवाज़ है। तब तोड़ के ढुके हम लोग, वाइफ हम थे, उसके मर्जी से हर चीज़ की है,
कैसे क्या करना है, क्या पेंटर वाला को बोलना, क्या काटना है, गाड़ी करना है, कैसे क्या सब वही उसी से पूछ के। पचास हजार लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ श्री शांति होंडा।